नरेंद्र मोदी जी के राज में तानाशाही चल रही है और ऐसा लगता है कि हिटलर भी उसके सामने फेल हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को ना तो संसद में बोलने दिया जा रहा है ना बाहर बोले, इस तरह की स्थिति लोगों ने पैदा कर दी है। इसलिए हम लोग यहाँ एक दिन का पूरा सत्याग्रह पूरे देश भर में हो रहा है और जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही है, हमारी पार्टी जो है कभी अंग्रेजों से नहीं डरी है, तो हम लोग ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे। देश को आज़ाद हम लोगों ने कराया अंग्रेजों से, उसी तरह हम लोगों को हटा कर ही दम लेंगे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और उसकी रगों में शहीदों का खून दौड़ रहा है और जिन लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी के लिए एक पैसे अपने नाखून तक नहीं कटाए, ऐसे लोग आज हमको सिखाने की कोशिश करेंगे। अरे ऐसे इसका बीजेपी का देश के आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान है? आप लोगों ने कहीं देखा है? आप हिटलर कह रहे हैं प्रधानमंत्री को? हिटलर निश्चित रूप से, हिटलर के बारे में आप लोग जानते हैं, हिटलर ने क्या किया इस देश विश्व में को युद्ध में झोंक दिया। नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उसके राज में क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, देश के लोग त्रस्त हैं, पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमारे देशों पे आंख उठाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत होती? चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुस के बैठी हुई है, उनको हटाने की उनकी ताकत नहीं है। और हमारे देश के लोगों पे जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी आवाज़ दे रहे हैं, तो हम सब मिलकर। भाजपा का आरोप है कि OBC समुदाय का अपमान किया है। गलत बात, यही तो गलत धारणा है, यही तो झूठ बोलने का काम करते हैं। मोदी सरनेम किसी एक जाति से नहीं होता, मोदी सरनेम के नीरव मोदी कौन से जाति का है, मेहुल चौकसी किस जाति का है, एक और मोदी है ना दूसरा ललित मोदी, वो किस जात का है, क्या वो OBC हैं? इस तरह की बातें जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यही तो झूठ बोलती है। जिस तरह से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निर्देश देगी, उसके अनुसार आगे पार्टी काम करेगी।